अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इरशाद अहमद डोगर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 41 से। आज हम जिस मोटर के बारे में आपको बताएंगे और उसमें जो मसला आया है पेश, वो किस तरह आया है। जो हमारा है स्विच जो मेन, वो ऑफ था, और जो हमारी मोटर है, घर वाले कह रहे हैं कि जो मोटर में आग निकलने लगी है, कोई मोटर जल गई, स्विच ऑफ होने की वजह से मोटर जल गई है। क्यों जली है वो आपको हम बताते हैं भी और दिखाते भी, और इसका सोल्यूशन भी बताते हैं। ये दिखाते हैं कि ये मोटर कैसे जली। ये मोटर है जी, ये शहजाद वालों का है वाटर पंप, जिसका जो तार लगी हुई थी और इसका स्विच ऑफ था। स्विच ऑफ होने की वजह से सुबह को उठे तो मोटर से धुआं निकल रहा था और बोर्ड में से भी धुआं निकल रहा था। ये मोटर क्यों जली स्विच ऑफ होने की वजह से, ये क्या वजह है कि मोटर जल जाने की, स्विच ऑफ हो और स्विच मोटर जो है वो जल जाए, इसमें क्या वजह है कि इसमें करंट आ जाए, ये देखते हैं। इसमें अब आपको दिखाते हैं और चेक करते हैं कि इसमें, ये देखें तार लगी हुई थी इसकी, ये अंदर, सॉरी, ये दिखाते हैं कि ये आपको ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे ये शू लगा हुआ था और स्विच ऑफ था यहाँ पे, फिर देखें। और ये देखें स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है, और इसमें हम चेक करेंगे कि आया, ये चेक करें, स्विच ऑफ से ही करंट आ रहा है। इसमें जो है इसका जो पॉजिटिव जो है इस जो पॉजिटिव इसका ये स्विच के जरिए नहीं लगाया हुआ है, इन्होंने साकेट में यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है, और इसका स्विच ऑफ करने से न्यूट्रल कट हुई है और जो फेस है वो कट नहीं हुआ, और जो वहाँ पे जो आपकी जो मोटर है वो शार्ट हुई, पानी लगा उसमें, जब पानी दिया मोटर को, घास को, जब ये शाम को जब घास को पानी वगैरह दिया तो मोटर के ऊपर पानी आ गया, और इन्हें पता भी नहीं चला कि मोटर शार्ट हो गई है, और स्विच ऑफ कर दिया तो मोटर शार्ट थी और वहाँ से करंट आ रहा था, करंट आने की वजह से ये इसका जो है ये मसला पेश आया। अब अगर आप इसे मुकम्मल हल इसका चाहते हैं तो ये आपका जो बोर्ड है इसका जो पॉजिटिव है वो आपने इसे स्विच के ज़रिए कर देना है, जो इसका फेस है, और जो नेगेटिव है आपने जो वो डायरेक्ट लगा देनी है, और आपका जो मसला हल हो जाएगा। और आप स्विच ऑफ करोगे तो आपकी जो है जो उसका फेस कट हो जाएगा। ये बोर्ड खोल के हम इसका जो मसला है जो पेश आया वो उसे सेट करेंगे। ये चेक करें, इन्होंने बोर्ड तो चेंज करवा लिया था लेकिन वो मसला हल जो इलेक्ट्रीशियन है वैसे ही छोड़ के चले गया। ये देखें, अब मुझे बुला के लेके आए कि यार इसमें ये मसला क्या हुआ, और मैंने आकर देखा तो इसका जो है प्रॉब्लम वहीं पे वो छोड़ के जिस तरह पहले था वही प्रॉब्लम अभी भी इसमें है। ये देखें हालत क्या होगी बोर्ड की अंदर से, और उन्होंने नया बोर्ड ऊपर लगा दिया है। इलेक्ट्रीशियन आया और ये अपनी तसल्ली के लिए फिर मुझे बुला के लेके आए, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये देखें, असल में ये वजह ये बनी है कि ये यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव लगा दी, यहाँ पे फेस लगाना था, और यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव लगानी थी वहाँ पे फेस लगा दी, इन्होंने तारें उल्टे लगा दी, इसलिए ये वजह बनी। ये चेक करें, अब इनके उन्हें दुरुस्त करेंगे, सीधा करेंगे। ये तार खोल के हमने यहाँ पे लगा देनी है इस तार के साथ, और ये तार खोल के हमने इस तार के साथ लगा देनी, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ये मेरी छोटी सी टिप आपको पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको ये मसला पेश आए तो आप इसका हल इस तरह हल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।